तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं एडवेंचर सिंह आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत सफ़र पे। ये हसीं वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। जी हाँ, मैं श्री शैलम से समय निकल चुका हूँ और क्योंकि ये रिज़र्व थोड़ा सा लेट खुलता है 6 बजे के आसपास, ये पूरा फॉरेस्ट रिज़र्व है तो ये गेट देर से खुलता है, तो हम लोग भी देर से निकले हैं और बीच में मुझे मिला था एक 10 मिनट का छोटा सा जाम जिसका हमने किया काम तमाम। बने रहिए सफ़र पर। सामने जो है धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि पहाड़ों के पीछे से जो है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे जूम करके देखते हैं, लेकिन पहाड़ों के पीछे से सूरज जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लुका छुपी खेल रहा है हमारे साथ। पर देखते हैं कितनी देर ये लुका छुपी चलेगी, क्योंकि आज का सफ़र थोड़ा सा लंबा है। ये नहीं पता डेस्टिनेशन में कि रुकना कहाँ है, सोचा है वेल्लोर या वेल्लोर के आगे, बट देखो आप सूरज दिख गया है मुझे हल्का हल्का। हाँ, तो मैं बोल रहा था वेल्लोर या वेल्लोर के आगे, या हो सकता है त्रिची या उसके आगे, पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से रामेश्वरम जो है थोड़ा सा दूर पड़ेगा हमें, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेके जाएंगे, एक राइट स्टॉप पे तो ब्रेक करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर, एंजॉय करिए। आज की डेट है 27 दिसंबर 2023 और ये सफ़र बहुत सुहाना चल रहा है फिलहाल, तो मज़ा आ रहा है। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद रोड पे। ये था होटल मेघना और यहाँ पर मैंने लिया वड़ा। पीछे मैंने पील ब्रेक भी ले लिया है गाड़ी के लिए और खुद के लिए भी। अब हो गए हैं दोनों फुल, तो अब हो गया है चलने का इंस्टाग्राम के प्रोग्राम में, तो अब हो गया है चलने का वक्त। गाने बस सेट कर देते हैं एक बार और अब चालू करते हैं अपने गाने और अपनी राइड को भी। चलो मिलता हूँ मैं आपके आगे रोड पर। सामने रखा है कड़ापा, मुझे नंदयाल कड़ापा से होते हुए जाना है, तो चलो फिर चलते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। GoPro stop recording। एक छोटा सा कॉफी ब्रेक कड़ापा से थोड़ा सा पहले, 10-15 किलोमीटर पहले, कुंभ कोणम डिग्री कैफे कॉफी इसका नाम है। कॉफ़ी पी है, थोड़ा सा मुँह धोया है, फ्रेश हो गए हैं। करीबन 11:30, 12 बज रहे हैं। यहाँ से अब कड़ापा, कड़ापा से फिर वेल्लोर, वेल्लोर से आप पता नहीं आगे कहाँ, बट अब निकलने का वक्त हो गया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। कड़प्पा से निकल के अब जा रहे हैं रायचट्टी की तरफ। मैप डाल दिया है वेल्लोर का और वेल्लोर भी बाईपास करना है, लेट्स सी कि हाउ इट गोस। अभी बज रहे हैं 12 और उसके बाद करीबन 2.5 घंटे लगेंगे वेल्लोर पहुंचने में, 2.5 से 3 घंटे, मतलब गूगल बोला 4 घंटे, बट मैं लेके चल रहा हूँ 3 से 3.5 घंटे, लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी तो रोड अच्छी है यार, कंडीशन अच्छी है, जंगल देख लो क्या शानदार जंगल है, एकदम पहाड़ वाले। चलो मिलता हूँ आपसे आगे। का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। भाई साहब, कौन कहता है कि राइडिंग आसान है, राइडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। रोडें नापते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो एक डिटर्मिनेशन के साथ, और उसमें भी अगर आप सोलो राइडिंग कर रहे हो तो वो तो और भी टफ है यार। मतलब लिटरली जा रहा हूँ, कुछ भी आसान नहीं है ज़िंदगी में। अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और मुझे पता है कि अभी तो कितने हुए हैं, 371 किलोमीटर्स हुए हैं, चित्तूर पहुंचने वाला हूं मैं कुछ देर में, और चित्तूर के बाद वेल्लोर, इन दोनों के बीच में जहां भी अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा वहां पर मैं रुक के लंच ब्रेक करूंगा,
अभी टाइम कुछ 2 बज रहा है, टेम्परेचर 33 है, हवा ठंडी ठंडी है। अच्छी बात यह है मैंने बीच में रुका था पानी पीने के लिए, पानी नारियल पानी अपन पीते पीते चलते रहते हैं। ये रूट है अच्छा, नो डाउट, यू कैन ईजली क्रूज़ एट लाइक 70-80 आराम से क्रूज़ कर सकते हो, पर वही है कि आप बस बैठे रहो। अगर रोड घुमावदार आया तो मज़ा आ जाता है, लेकिन अगर रोड स्ट्रेट है देन इट्स गोइंग टू बी वेरी मच बोरिंग बोरिंग बोरिंग। गाने भी कब तक सुनोगे यार, आई स्टॉप लिसनिंग द म्यूज़िक फ्यू आवर्स बैक एंड देन आई एम जस्ट रोलिंग एंड रोलिंग एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। आपको खुद ही को एंटरटेन करना पड़ता है सोलो राइडिंग में, गाने सुनते चले जाओ या गाने गुनगुनाते हुए चले जाओ, और क्या कर सकते हो आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सोलो राइडिंग में ये एक डिसएडवांटेज होता है, बाकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अगर एडवांटेजेस देखेंगे और उसकी कंपेरिजन में ये डिसएडवांटेज देखेंगे तो आई थिंक एडवांटेजेस की ही जीत होगी। तो बाकी तो सब बढ़िया है एंड मिलता हूँ मैं आपसे आगे लंच ब्रेक पर। ओके, तो ये था होटल मयूरी ग्रैंड और इधर पड़ता है चित्तू, इधर है वेल्लोर। तो अपन इसके बीच में ही रुक गए, अभी बच रहा है 3 और अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। चलो, आज का स्टेशन नहीं पता है अभी तक, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ नहीं पता। लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन बंदा है जो अकेले ही अपनी मस्ती में मस्त है, हम तो गर्मी से पस्त है भाई। और बस अब निकल गए हैं, खाना खा के बढ़िया 2 रोटी खाई विद दाल फ्राई। क्या खाते हैं, चावल खा लेते ना, भयंकर नींद आती भाई। मुझसे बोला गया था कि साउथ इंडियन ट्राई करना, मैंने कहा भाई चावल खाएंगे बहुत नींद आएगी, कल मैं 2 घंटे सो गया था चावल खाने के बाद। सो आई डिसाइडेड टू ईट ओनली चपातीज। वेल्लोर 30 किलोमीटर्स, चेन्नई 153, हमें जाना है वेल्लोर। बाप रे बाप, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या अभी, और जाएंगे कहाँ से, उधर से कि इधर से? अरे भाई इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किधर जा रहा है। चलो आगे मिलता हूँ मैं आप। ये एक जगह है पोलूर, पोलूर करके जगह है, वहाँ पर चाय ब्रेक लिया है और अभी शाम के बज रहे हैं 5। अरे यार पानी की बोतल ना मैंने ऐसी अगर डाल दी पीछे, सपोर्ट का काम करना चाहिए अभी। ये तो अभी बज रहे हैं 5:16 और यहाँ से दिखा रहा है 9:30 तिरछी पहुँच जाऊँगा मैं। तिरछापल्ली लगा हुआ तब से, उसको शॉर्ट में त्रिची बोलते हैं, मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि उसको त्रिची बोलते हैं। सामान ओके सेट, चलो भाई चलें, अभी सफ़र बचा रहे हैं भाई। बस वाला चढ़ाई देगा क्या सर के ऊपर? तो गूगल यहाँ से सेट कर लिया है। ओके, और ये जो सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ा सा जंगल का रास्ता पड़ेगा तो मुझे उस जंगल के रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा, और बाकी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ब्रेक लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। आज का टारगेट सेट कर लिया था त्रिची का, तो प्रोबेबली त्रिची तो मैं पहुंच जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है, 9:30 दिखा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो मूविंग ऑन। नौ बज गए हैं करेक्ट, 700 किलोमीटर्स हो गए हैं करेक्ट, और हम एंटर कर गए हैं त्रिची के अंदर एकदम करेक्ट, परफेक्ट टाइमिंग के साथ हम लोग यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। भाई साहब एकदम परफेक्ट टाइमिंग हुई है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस जाके एक होटल ढूंढना है और जाके चुपचाप सो जाना है, क्योंकि कल हमारा जो है डेस्टिनेशन वो होने वाला है ये रामेश्वरम। तो आज जो है त्रिची में ही अपन स्टे करेंगे, सोच ही जरे थे त्रिची रुकना है, पहले वेल्लोर का था लेकिन वेल्लोर पहुँच गए थे जल्दी तो मैंने कहा त्रिची कर लेते हैं। तो त्रिची तक तो आ गए हैं, अब अपन को होटल ढूंढना है यार। रूम अवेलेबल दिखा है लेकिन थोड़े शैबी से रूम लग रहे हैं, थोड़ा सा और अंदर जाके सर्च मारेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। चलो अगर मौका मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा रूम में पहुंचकर, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है।